में काम करने के दौरान गिरे श्रमिक की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजन धरने पर बैठे। नौबस्ता चौकी के जेपी सीमेंट फैक्ट्री में हुआ हादसा, भारी पुलिस बल तैनात। फैक्ट्री में काम के दौरान 50 फीट की ऊंचाई से गिरे श्रमिक की मौत पर गुस्साए परिजन धरने पर बैठ गए। घटना से तनाव का वातावरण बना हुआ है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल फैक्ट्री परिसर में तैनात कर दी गई है। घटना चोरहटा थाने के नौबस्ता में स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री की है। मंगलवार की दोपहर कर्मचारी निर्मल बुनकर 50 फीट की ऊंचाई में काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक वह नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री प्रबंधन ने उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर शाम युवक की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजन फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप था कि जिस प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर वह सफाई कर रहा था, वह काफी जर्जर था, जिससे हादसा हुआ है। हंगामे की सूचना मिलते ही एसडीएम फरीन खान, सीएसपी सचिदानंद प्रसाद सहित भारी पुलिस बल फैक्ट्री परिसर में पहुंच गई और परिजनों को समझाइश देकर पूरा मामला शांत करवाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि परिजन मुआवजा, आश्रितों को नौकरी व बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। फिलहाल कर्मचारी का शव मसूरी में रखा हुआ है, जिसका अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। बताएं क्या मामला है। मैं जेपी रीवा प्लांट का कर्मचारी हूं और भारतीय मजदूर संघ का अध्यक्ष भी हूं। जी जी। अभी किलन सीट डाउन चल रहा था, जहां पर 50 फुट के ऊंचाई पे काम चल रहा था। जो प्लेटफार्म लगभग आज 15-20 वर्ष पुराना था। जी जी। प्लेटफार्म में जंग लगने की वजह से उसमें सुरक्षा नहीं थी, वो पूरा खराब हो चुका था। प्लेटफार्म सड़ जाने की वजह से ये घटना घट गई। कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कभी भी सुरक्षा के लिए कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया जाता। कंपनी मैनेजमेंट की घोर लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई और एक कर्मचारी की जान चली गई। ये ऐसी घटना प्लांट के अंदर पूरे हर जगह होने की आशंका बनी रहती, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मरम्मत और कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से काम नहीं किया जाता है। जी जी। ये आज जो घटना घटी, उस घटना का जवाबदार पूरी तरह से मैनेजमेंट और काम कराने वाला उस साइट का साइट इंचार्ज है। आपको पता है कि जेपी में घटना घटने के बाद पुलिस प्रशासन या शासकीय अमला कर्मचारी से ज्यादा आकर के यहाँ डेरा जमा लेता है। अभी घटना घटने के बाद अपने 200-300 कर्मचारी गेट पे बैठे हुए थे, जहाँ पर पुलिस प्रशासन दबाव बनाकर उनको वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने पुलिस के सक्षम अधिकारी से बात किया और कहा कि भाई मरने वालों का क्या नाम था। मरने वाला निर्मल बुनकर, कहाँ के रहने वाले, राम गढ़वा का निवासी था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए।